9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। वीडियो में भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। कांग्रेस की आपत्ति जताने के बाद वीडियो डिलीट किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कानून का हवाला दिया, कहा कि देश के नक्शे से खिलवाड़ करने पर 100 करोड़ का जुर्माना, 7 साल की सजा का प्रावधान है। बीजेपी से ये सजा कौन भुगतेगा? कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ पार्टी नेताओं की आज मीटिंग। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से लेकर अब चर्चा होगी। शाम 4:30 बजे 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए चुनाव अभियान समिति का किया गठन। मधु गौड़ याक्षी को बनाया चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष। 17 पर्यवेक्षकों की भी हुई नियुक्ति। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। अगले सप्ताह कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का गठन हो सकता है, इसकी घोषणा हो सकती है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कमेटी के गठन का ऐलान संभव। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि लोग बोलते हैं कि हमारी लड़ाई मोदी के खिलाफ है, लेकिन ये लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, ताजा हालात पर चर्चा की। बोले जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे अमित शाह। एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाए, कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में किया। ग्वालियर में एक विधायक के कॉलेज में ही बने सेंटर से 10 टॉपर निकले। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कहा राज्य में आई पार्टी की सरकार तो अभ्यर्थी निशुल्क भरेंगे परीक्षा का फॉर्म। पटवारी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर शिवराज सरकार को घेरा। सीबीआई जांच की मांग की। कहा 12 लाख बच्चे फॉर्म भरने के बाद कर रहे हैं ठगा महसूस। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट फेरबदल को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया है। कहा कि मोहन मरकाम पार्टी के मंझे हुए नेता, पार्टी हाईकमान के निर्देशों का अच्छे से करेंगे पालन। 9 सेकंड न्यूज में बारी देश की बड़ी खबरों की। केंद्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर रायशुमारी की तारीख 28 जुलाई तक बढ़ाई। आयोग ने 14 जुलाई को यूसीसी पर संगठन और आम लोगों से प्रतिक्रिया मांगी थी। लोगों को आयोग की वेबसाइट पर देनी अपनी राय। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर फिर बोला बीजेपी पर हमला। ये महज एक चुनावी मुद्दा है, गरीबी बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है यूसीसी की बात। तेलंगाना के खम्मम में लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठनों की गुंडागर्दी। कई प्राइवेट स्कूलों को बनाया गया निशाना। स्कूलों में तोड़फोड़, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में जनसेना का विरोध प्रदर्शन। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा। पवन कल्याण का पुतला फूंका। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और मंत्री नागार्जुन के खिलाफ टीडीपी का प्रदर्शन। टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने जगन मोहन रेड्डी का पुतला फूंका। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, एक महिला ने ब्रिज से लगाई झील में छलांग, मौके पर ही मौत। शोपिया में मजदूरों पर हुए हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। राशन खरीदने गए मजदूरों पर आतंकवादियों ने बरसाई थी गोलियां। शोपिया हमले में घायल मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमले में बिहार के सुपौल के 3 और सहरसा के 1 मजदूर घायल हुए हैं। सभी का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के प्रसन्नजीत है पाकिस्तान की जेल में बंद। जेल से रिहा जम्मू कश्मीर के एक शख्स ने जानकारी दी, 5 साल पहले हुए थे लापता। बहन लगा रही है रिहा करने की गुहार। टमाटर के बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर। दिल्ली एनसीआर में सरकार बेच रही सस्ते रेट पर टमाटर। एनसीसीएफ के वैन पर 90 रुपए किलो मिलेगा टमाटर। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राज्य से जुड़ी कुछ और बड़ी और अहम खबरें। मेरठ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। सीएम को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का जोश आई। कांवड़ियों ने भी सीएम का जोरदार स्वागत किया। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शंकर को जलाभिषेक करते नजर आए शिव भक्त। मेरठ में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हुजूम उमड़ा।
उत्तर प्रदेश के शामली में दो युवक बने माता पिता के लिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर दोनों युवकों ने 100 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की। इस बीच के एक और मामले में आजम खान पर रामपुर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2019 में एक चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ भाषण, चुनाव पर्यवेक्षक ने दर्ज कराया था केस। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की सुरक्षा हटाने और फिर दोबारा बहाल करने को लेकर सियासत जोरों पर है। पार्टी ने बताया साजिश, सुरक्षा बहाली आजम की सियासी दबदबे का असर है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपियों की फिर 14 दिन की बड़ी न्यायिक हिरासत। तीनों आरोपियों को चार्जशीट दाखिल होने की जानकारी दी गई। अब सेशंस कोर्ट में केस चलेगा। यूपी के अलीगढ़ में कॉलेज में बिरयानी को लेकर विवाद। बिरयानी पर आपत्ति जताने पर समुदाय विशेष के युवक ने छात्र पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में एक ही परिवार के चार लोगों ने खुदकुशी की। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया, साइबर फ्रॉड से परेशान शख्स ने बच्चों को जहर देने के बाद पत्नी के साथ सुसाइड किया था। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ हो गई। एक की मौत हो गई, दूसरा आरोपी घायल हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लूटपाट करने वाले गैंग का पीछा करने के दौरान एनकाउंटर हुआ। बिहार के दरभंगा में ई रिक्शा ने ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी आग। लगभग 16 लाख का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार गाड़ी का कहर। कांवड़ लेकर जा रहे लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, 3 हादसे में घायल। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।